यूपी में 7 फरवरी से खुलेंगे कक्षा 9 से ऊपर के सभी स्कूल और डिग्री कॉलेज। आज बागपत और अमरोहा में चुनावी रैली करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पीएम मोदी की जन चौपाल, आज यूपी के मथुरा, आगरा और बुलंदशहर में करेंगे वर्चुअल संबोधन। घर घर प्रचार में जुटे नेता, आगरा पहुंचे अखिलेश तो आज अमित शाह घर घर जाकर मांगेंगे वोट। मौसम विभाग का अलर्ट जारी, यूपी में भीषण ठंड और कोहरे से नहीं मिलेगी अभी राहत। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब केवल 4 दिन का समय शेष है, जिससे पहले आज भाजपा अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगी। इस लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम दिया गया है, इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जारी करेंगे। वहीं इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित के मुताबिक लोक कल्याण संकल्प पत्र के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 दिसंबर 2022 को आकांक्षा पेटी लॉन्च की थी। इसके जरिए प्रदेश भर के लोगों से सुझाव मांगे गए थे। उन्होंने बताया कि यूपी नंबर 1 सुझाव आपका संकल्प हमारा थीम पर आधारित कार्यक्रम के जरिए प्रदेश की 30,000 ग्राम पंचायतों, सभी विधानसभा क्षेत्रों और महानगरों में विभिन्न सामाजिक और आर्थिक वर्ग के लोगों से संवाद कर सुझाव मांगे गए थे। वहीं बीजेपी ने लोगों से मिस्ड कॉल और ईमेल के जरिए भी सुझाव मांगे थे। उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है। आज भी प्रदेश के कानपुर, गोरखपुर, मेरठ और आगरा सहित कई जिलों में कोल्ड डे कंडीशन है। इसके साथ साथ घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक मौसम ऐसे ही रहने वाला है। इसके बाद आसमान में बादल छाने और 9 फरवरी को बारिश होने की संभावना है। ठंडी हवाओं ने भी सर्दी का असर और बढ़ा दिया है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग कोहरे और कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इस साल फरवरी महीने के अंत तक बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। फरवरी के बाद न्यूनतम और अधिकतम तापमान बढ़ेगा। इस बीच बारिश होने की वजह से कई शहरों के वायु प्रदूषण में सुधार हुआ है। टीम इंडिया ने अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के खिताब पर 5वीं बार कब्जा किया है। उन्होंने इंग्लैंड को फाइनल में 4 विकेट से हरा दिया। भारत के लिए शांत संधु ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली है। उनके इस अर्धशतकीय बदौलत भारत ने खिताबी मुकाबले में जीत हासिल की। निशांत के साथ साथ शेख रशीद ने भी हाफ सेंचुरी लगाई, जबकि राज बावा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके। इससे पहले भारत ने साल 2000, 2008, 2012 और 2018 में भी अंडर-19 विश्व कप जीता था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए ऑल आउट होने तक 44.5 ओवरों में 189 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय टीम ने 47.4 ओवरों में 6 विकेट खेलकर लक्ष्य हासिल किया। अपनी आवाज से कई पीढ़ियों के दिलों पर राज करने वाली गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर की तबीयत में सुधार की खबर ने सभी चाहने वालों को राहत दी है। लता जी की बहन और गायिका आशा भोसले ने कहा कि लता मंगेशकर की तबीयत में सुधार है। 8 जनवरी को लता मंगेशकर को कोविड पॉजिटिव पाया गया था। सावधानी बरतते हुए लता को मुंबई के ब्रिंच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो 92 साल की हैं। पिछले 29 सालों से मुंबई के ब्रिंच कैंडी अस्पताल में ही जहां उनका इलाज चल रहा है। देर रात भी उनका हालचाल जानने के लिए बॉलीवुड हस्तियां इसी अस्पताल पहुंची। खबर फिरोजाबाद से है, जहां AIMIM प्रत्याशी बबलू कुमार राठौड़
आसफाबाद चौराहे से कार्यकर्ताओं के साथ राठौर नगर लौट रहे थे। इस दौरान थाना रसूलपुर पुलिस ने बबलू सिंह के साथ अभद्रता करते हुए उन्हें थाने के अंदर बैठा लिया, जिसके बाद AIMIM कार्यकर्ताओं के हंगामा करने पर CO सदर के आते ही गोल्ड सिंह राठौर को छोड़ दिया गया। वहीं इस दौरान AIMIM प्रत्याशी ने कहा कि उनके साथ ये जो भी घटना कराई जा रही है वो भाजपा सदर के पूर्व विधायक करा रहे हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां राज्यसभा सांसद संजय सिंह जनसंवाद करने पहुंचे। इस दौरान संजय सिंह ने आप प्रत्याशी हरेंद्र सिंह को वोट देने की अपील जनता से की। आगे संजय सिंह ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने गरीबों को दबाने का काम किया है, जबकि आम आदमी पार्टी के जीतने पर दिल्ली मॉडल के आधार पर उत्तर प्रदेश का विकास किया जाएगा। खबर उन्नाव से है, जहां शादी समारोह में एक युवक हर्ष फायरिंग कर रहा था और फायरिंग के दौरान समारोह में शामिल हुए सेना के जवान को गोली लग गई, जहां गोली लगते ही सेना का जवान जमीन पर गिर गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने जवान को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हर्ष फायरिंग का मामला एक बार फिर सामने आया है, जहां शादी समारोह में एक व्यक्ति की मौत हो गई। उन्नाव से ये खबर सामने आ रही है, हर्ष फायरिंग में सेना के जवान की मौत की खबर सामने आ रही है। थाना बिहार के एक गांव में हर्ष फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना मिली है। इस मामले में पुलिस द्वारा शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया गया है। FIR पंजीकृत कर लिया गया है। जो इसमें व्यक्ति जिसके द्वारा ये हर्ष फायरिंग की गई है उसकी तलाश जारी है और जल्दी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहले ये पता चला है कि यह व्यक्ति थाना सरैनी जनपद रायबरेली का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम क्षेत्राधिकारी बीघापुर के नेतृत्व में गई। खबर मथुरा से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस ने थाना बरसाना के ग्राम हाथिरा में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में धारा 144 लागू है और अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे उन्होंने लोगों से अपील करते हुए बिना डरे वोट देने की अपील की। रायबरेली के सरेनी विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी सुधा द्विवेदी ने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। बता दें कि तहसील रोड स्थित डलमऊ का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन पूजन पाठ के बाद कार्यकर्ताओं के साथ फीता काटकर कांग्रेस प्रत्याशी सुधा द्विवेदी के पति मनोज द्विवेदी भी मौके पर मौजूद रहे। इसी के साथ इलाके में विकास कार्यो को लेकर भी चर्चा की गई और कांग्रेस प्रत्याशी ने संकल्प भी लिया। चंदौली में अराजक तत्वों ने सरस्वती मां की मूर्ति तोड़ दी। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। कहा जा रहा है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने मां सरस्वती की प्रतिमा तोड़ी है। इस घटना से आक्रोशित सैकड़ों की संख्या में लोग धरने पर बैठ गए हैं। मूर्ति तोड़ने की सूचना पर मुगलसराय BJP विधायक साधना सिंह मौके पर पहुंची। उन्होंने कहा कि ये बौखलाहट है सपा की। सपा के गुंडे सोच रहे हैं कि सपा सरकार में आ रही है। वही हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मूर्ति तोड़ के ये बौखलाहट साबित हो रही है। समाजवादी पार्टी के गुंडे बौखला गए हैं और समाजवादी पार्टी के गुंडे सोच रहे हैं कि सपा सरकार में आ रही है। कोसों दूर है, 10 मार्च को पता चलेगा कि सपा की सफाई हो चुकी है। इनके मूर्ति तोड़ने से और मूर्ति खंडित करने से सपा का जनाधार बढ़ने वाला नहीं। ये हिंदुत्व पे आघात उन्होंने किया है। माता रानी उनके जुबान पे ऐसे कुंठित करेंगे वो कहीं के नहीं रहेंगे। क्या पता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।